वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ इंजन बनना ही होगा। पहले व्यापारी भय के साथ व्यापार करता था क्योंकि सत्ता के साथ में गुंडा और माफिया साथ चलते थे। आपको बता दें कि महिलाओं और व्यापारियों में सुरक्षा का भय बना रहता था, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने इस भय को खत्म करने का काम किया है और व्यापारियों को एक सुरक्षा माहौल भी दिया है। और ये उद्बोध सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारकर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में दिए। इस भाषण में सीएम ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया कि आज गुंडा माफिया अपराधियों का उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जीना हराम कर दिया है और ये लोग आज मारे मारे फिर रहे हैं और कई जगह कई थानों में ही ये देखने को मिला है। गुंडे माफिया गले में तख्तियां लटकाकर थाने पहुंच रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और इतना ही नहीं वो कह रहे हैं कि हम ढेल लगा लेंगे लेकिन गुंडागर्दी नहीं करेंगे। मैं आप लोगों में सिर्फ इसी सुरक्षा की गारंटी देना। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आदित्य यादव ने कहा है कि सुरक्षा कम करने का सीधा यही मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको डर है कि बदवासी भी है। और बीजेपी के अंदर इस चुनाव को लेकर पहले बीजेपी को लगा था कि इस चुनाव को जीतेंगे लेकिन अखिलेश और शिवपाल को एक साथ जनता का उत्साह देख भाजपा के जीतने की हथकंडे हैं, सरकार द्वारा उसको अपनाएंगे और हम लोगों को पहले से ही आभास था जो इसमें अचरज होने वाली कोई बात नहीं है। प्रसपा नेता के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि नाराजगी कोई नहीं है लेकिन जो लोग शामिल हुए हैं उन पर सरकार का दबाव है, अगर ना भी है तो हर आदमी स्वतंत्र है और अगर हो तो बधाई है। बहुत अच्छा जन समर्थन है, आपने देखा होगा आज हम लोग बसरेहर के ब्लॉक में हैं और इस बसरेहर ने हमेशा ही समर्थन दिया है और आज भी हम लोग अभी जो गंगापुरा की मीटिंग है तो उस मीटिंग में आए और बुजुर्ग से लेके नौजवान महिला सभी वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और निश्चित ही ये हम लोगों की जीत भी कहीं ना कहीं और सुनिश्चित और बड़ी करता है। तो ये बताइए कि अभी एक सूचना चल रही है कि शिवपाल सिंह जी की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है और उनका जो भी सुरक्षा मिली थी उसको सरकार ने, किस तरह ये क्या कारण है? देखिए, सुरक्षा कम करने का तो यही सीधा सीधा मतलब है, कहीं ना कहीं उनको डर है, एक बदमाशी सी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चुनाव को लेकर। पहले तो उन्हें लगा था कहीं ना कहीं चुनाव जीतेंगे लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का एक साथ इस प्रचार में आना हुआ है तो उससे जो जोश है लोगों में, उत्साह है जितने भी वोटरों में, उसको देखते हुए मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी हथकंडे हैं सरकार द्वारा उसको अपनाएगी, उसका उपयोग करेगी और निश्चित ही ये सारी चीजें हम लोगों को पहले तो हम लोगों को कोई आश्चर्य करने वाली बात। अमेठी के गौरीगंज ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ और एक मंडप में ही, आपको बता दें कि 230 जोड़ों का विवाह हुआ है, 178 हिंदू जोड़े का मंत्रोच्चार के साथ विवाह हुआ है, वहीं 52 जोड़ों के निकाह कबूल किया है। गौरीगंज जामू और शाहगढ़ ब्लॉक के लाभार्थियों को सामूहिक शासन के निर्देशानुसार आज ब्लॉक गौरीगंज में जनपद अमेठी में 230 जोड़ों का कुल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत विवाह संपन्न हुआ है। ये जो सामूहिक विवाह की से अच्छा जो भी रजिस्ट्रेशन हुए थे उसको हम अपने जनपद में 5 ब्लॉक्स में कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं जिसमें से भेटुआ ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित हो चुका है। आज जो कार्यक्रम है वो गौरीगंज और किलोई में कराया गया है और कल जो हमारे कार्यक्रम है वो जगदीशपुर और संग्रामपुर ब्लॉक में रहेंगे। तो आज जो यहाँ पर गौरीगंज ब्लॉक में हुआ है उसमें ब्लॉक गौरीगंज शागर और जामो के जितने भी रजिस्ट्रेशन ज्ञापन उपरांत उनका सामूहिक विवाह।
सहारनपुर में आज नगर निगम और मोक्षायतन योग संस्थान के संयुक्त बैनर तले जन मंच सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति ने पंडित विश्वंभर सिंह द्वारा और मार्ग का लोकार्पण किया है। मोक्षायतन योग संस्थापन निर्देशक आचार्य प्रतिष्ठा के निर्देश में ही बच्चों ने योग की बेहतरीन प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया है और इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति ने योग की महत्ता समझाई है और कहा है कि योग से स्वस्थ और स्वस्थ रख सकते हैं। और कार्यक्रम में औद्योगिक राज्य मंत्री जसवंत सैनी, सांसद प्रदीप चौधरी, नगर विधायक राजीव गुंबर, मेयर संजीव बालिया और योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण, नगर आयुक्त गजल भारद्वाज आदि मौजूद रहे। बलरामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में जांच के नाम से कोहराम मच गया है और तभी मरीजों और तीमारदारों और इसके साथ ही आशा बहुओं की सीएचसी अधीक्षक ने अस्पताल से बाहर भगाया है। बताते चले कि पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बुद्ध अरविंद सिंह ने ही सीएचसी तुलसीपुर को औचक निरीक्षण किया और विभागीय जाँच में मंत्री और अन्य अधिकारियों ने सीएचसी तुलसीपुर में ही फैला भ्रष्टाचार को पकड़ दिया है। दरअसल गर्भवती से वसूली का मामला भी यहीं से सामने आया था। रजिस्टर से 5 महिलाओं ने दर्ज करवाई थी कार्रवाई, जिसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी और मंत्री ने उनसे बात की और 3 महिलाओं ने स्वीकारा दवा के नाम पैसे वसूली के बाहर ही लिखने की बात कहते हैं और राज्य मंत्री के साथ स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी रही। आशा बहुओं के उत्पीड़न का भी यहां से मामला सामने आया, जिस पर मंत्री ने तहसीलदार के देखरेख में कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील परिसर में मौजूद अधिवक्ता संजय पांडे और उनके ही पड़ोस में दूसरे अधिवक्ता के चैम्बर में आग लग गई, जिससे दोनों अधिवक्ताओं के चैम्बर में रखा लगभग लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। अधिवक्ता संजय पांडे का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत आग लगाई गई है और फिलहाल सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक चैम्बर में रखे अधिवक्ताओं का सामान और दूसरे अधिवक्ताओं के बक्से सभी जलकर राख हो गए। मेरा बिस्तर जलाया गया और पड़ोस में मीना गुप्ता थी, उनका बिस्तर भी जला। अब किस बिस्तर से आग लगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत आग लगाई गई है, इसकी एफआईआर की जाएगी और चोरों की गिरफ्तारी निश्चित होगी, आग लगाने वाले निश्चित मिलेंगे और मेरा कम से कम 1.5 लाख नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई ये भी आपदा के अंतर्गत होगी, सरकार द्वारा कराई जाएगी और सरकार को करनी ही पड़ेगी। कितने बिस्तर जले हैं इसमें? 2 बिस्तर। दोनों बिस्तरों पर लगभग कितने का सामान जल गया होगा? मेरा तो सामान करीब 1 लाख ऊपर जला है, मैडम को अभी 25 सामान था और 17 पेटियां और अधिवक्ताओं जलाई गई हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से हमारे सहयोगी प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, चैम्बर में आग लगी है और बताया जा रहा है कि षड्यंत्र के तौर पर यह काम किया गया है। जी, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके अधिवक्ताओं के चैम्बर में जो आग लगी है, वही जिस तरीके अधिवक्ता का जो आरोप है कि षड्यंत्र के तहत आग लगाई गई है, लेकिन वही अगर पुलिस प्रशासन की बात की है तो पुलिस प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि ये जो आग जो लगी है वो शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जब आग लगी थी सूचना में फायर ब्रिगेड मौके पहुंच गई थी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया था उससे पहले यह काफी सारा यह नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, इसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रांजल, वो किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? आरोप जिस तरीके से अधिवक्ता संजय पांडे जो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके उनका कहना साफ तौर से कि ये जो आग लगाई गई है षड्यंत्र के तहत लगाई गई है, लेकिन इस पूरे मामले की उन्होंने एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भी जो है थाने में दिया है, लेकिन जिस तरीके पुलिस प्रशासन की बात की जा रही है, हमारे कोतवाल से बात हुई तो कोतवाल साहब का साफ तौर से कहना है कि आग जो है सर्किट से जो है होना बताया जा रहा है, लगना बताया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बात जो है यहाँ पर जिस तरीके वो आरोप लगा रहा है इसमें तरीके की फिलहाल अभी जांच की जा रही है, लेकिन जो आग लगी है सर्किट से लगी है। प्रांजल, इस बारे में जानकारी हो पाई है कि ये आग कब लगी थी, कितने समय पर, रात में लगाई गई है आग कि दिन में लगाई गई है, कैसे हुआ है? दिन में ये आग लगी है, करीब 2 से 3 बजे के बीच का ये पूरा मामला है।
दिन में आग लगी है, रात में नहीं, दिन में लगी है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से जो आग लगने बताया जा रहा है। जी प्रांजल, इसको लेकर पूरे मामले को लेकर पुलिस तक सूचना पहुंची है अभी? जी पुलिस को सूचना पहुंच गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई थी, आग पर काबू पा लिया गया, लाखों का सामान यहां पर जलकर जो राख हो गया है। दो अधिवक्ता हैं, दोनों अधिवक्ताओं का करीब लाखों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन जिस तरीके जो आग लगी है वो उसकी अभी फिलहाल जांच की जा रही है। वही जो है ये शॉर्ट आग लगना यहाँ पे बताया जा रहा है। जी प्रांजल, पहले भी ऐसी घटना यहाँ पर हो चुकी है या पहली बार ऐसे चैम्बर में यहाँ पर आग लगी है मौके पर? यहाँ पूरनपुर तहसील की बात की है, पूरनपुर तहसील में ऐसा ये पहला मामला है, इससे पहले तो इस तरीके का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया, लेकिन जिस तरीके जो आग लगी है कहीं ना कहीं उसकी जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें मामला क्या है। जी प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 4 में घर में भीषण आग लग गई है और घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला आग की चपेट में फंस गई। स्थानीय लोगों की पुलिस रेस्क्यू में जुटी और जिसके बाद दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग के तेज लपटे देख आसपास इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। बता दें आपको कि कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। बिजनौर के नहटोर के गांव इलाबास में दबंगों ने गरीब की बेनामी सदा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और रातों रात दबंगों ने 10 फीट दीवार पर निर्माण कराकर कब्जा कर लिया है। कब्जा होने की सूचना पर पीड़ित ने एसडीएम के थाना समाधान दिवस में इंसाफ मांगा है। तहरीर मिलने के बाद एसडीएम मनोज कुमार ने पुलिस को आदेश कर निर्माण रुकवाया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को रुकवा दिया, लेकिन दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सूबे में दूसरे बात पर भाजपा सरकार बनने के बाद भूमाफियाओं की शामत आ गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया पर अपना कड़ा रुख अपनाया था, जिसमें कुछ बदमाशों ने या तो जिला छोड़ दिया या फिर पुलिस ने उन्हें जमीन दोज कर दिया था। लेकिन खराब सिस्टम के चलते अभी भी कुछ भूमाफिया ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की जमीन पर कब्जा कर अपने पैर पसार रहे हैं। मामला नहटोर थाना क्षेत्र के गांव इलाहाबाद का है, जहां पर कस्बा झालू निवासी शमीम अहमद की 250 गज जमीन बेनामा सुदा है और जिस पर फखरुद्दीन में ही ताजुद्दीन ने रातों रात जबरन निर्माण कर लिया। अवैध कब्जे की खबर जब शमीम को लगी तो पीड़ित शमीम ने थाना समाधान दिवस में एसडीएम से शिकायत की। एसडीएम के आदेश पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण रुकवा दिया है। शिकायत करते हुए पीड़ित शमीम ने बताया कि उसके पास सन 1994 का बेनामा है, लेकिन कुछ दबंग लोग उसकी जमीन पर उसके गरीब होने का नाजायज फायदा उठाकर कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व में ही पीड़ित ने जब इनके अवैध कब्जे का विरोध किया था तो दबंगों ने पीड़ित शमीम के साथ मारपीट की थी। फिलहाल शमीम अपनी ही जमीन को दबंगों के चंगुल से कब्जा मुक्त कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। फतेहपुर जिले में मंगलवार को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की स्टीक सूचना पर छापेमारी कर एक गांव के जंगल से जुआ खेलते 11 जुआड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 4 अन्य जुआड़ी जो हैं भागने में सफल रहे हैं और वहीं जुआड़ी पेशेवर किस्म के हैं और जिन पर पूर्व में ही मुकदमा दर्ज हुए हैं। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के साई गाँव के जंगल में काफ़ी समय से जुआड़ियों के फड़े लगने की जानकारी पुलिस को मिल रही थी। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि साई गांव के जंगल में आज जुआड़ियों का जमावड़ा है और बड़े स्तर पर जुए की फड़ लगी है। तो आपको बता दें फतेहपुर से खबर है, जहां पर जुए की फड़ से करीब 2.25 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। तो पुलिस का शिकंजा नजर आ रहा है साफ तौर पर और छापेमारी में 11 जुआड़ी जो है वो
गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इनके पास से करीब 2.25 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें आपको कि पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और जानकारी आपको दे दें कि फतेहपुर से खबर है, जहां पर जिले में ही मंगलवार को पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने मुखबिर की स्टीक सूचना पर छापेमारी कर एक गांव के जंगल से ही जुआ खेलते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 4 अन्य जुआरी जो है भागने में सफल रहे हैं, और सभी जुआरी पेशेवर किस्म के हैं, जिन पर पूर्व में ही मुकदमा दर्ज है। और कल्याणपुर थाना क्षेत्र के साई गांव के जंगल में काफ़ी समय से जुआरियों की फड़े जो है वो लगने की जानकारी पुलिस को मिल रही थी। और पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि साई गांव के जंगल में आज जुआरियों का जमावड़ा है और बड़े स्तर पर जुए की फड़ लगी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से नकदी भी बरामद कर ली है। पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र में किसी एक गांव है जहां पे एक जुआ संचालित किया जा रहा था। पुलिस की टीम ने दबिश दी, इसमें मलवा, हुसैनगंज थाना और राधानगर थाने की फोर्स थी और DYSP साहब थे, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। SOG 2 की टीम थी। SOG 2 की टीम के नेतृत्व में ये दबिश दी गई और 11 साथी अपराधियों को पकड़ा गया है जो जुआ खेल रहे थे, और 4 अपराधी फरार हो गए हैं। लगभग 2,68,990 रुपये वहाँ से जुए में बरामद हुआ है। 6 बाइकें बरामद हुई हैं, जिन पे 2 बाइकों में इंजन नंबर और चेसिस नंबर नहीं है, उसको मिटाया गया है। इन सब आधारों पर थाना कल्याणपुर में 220/22 मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 3/4 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट और 420/68 आदि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, फतेहपुर जिले में मंगलवार को पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर छापेमारी कर एक गांव में जंगल से ही खेलते 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 4 अन्य जुआरी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि उन्होंने बाइक भी बरामद की है। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से संवाददाता बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे जंगल पे काफी समय से जुआरियों का जत्था लगा रहता था, जहाँ पे पुलिस की मुखबिर की सूचना पर सटीक जानकारी पर पुलिस सहित टीम सहित और CO पहुंचकर उस मारे की जानकारी की गई। वहीं पे चौकी इंचार्ज चौड़ागढ़ को पुलिस लाइन हाजिर किया गया है। जी बबलू, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कितना इसमें नकदी भी बरामद हुआ है? इसमें 2,59,000 कुछ रुपए बरामद हुआ है लगभग, और इसमें 4 आरोपी मौके से फरार होने पर और बाकियों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जी बबलू, इसमें आगे क्या कार्रवाई रह सकती है पुलिस प्रशासन की? इसमें कार्रवाई गिरफ्तारी कर पुलिस में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बबलू सिंह, जैसे ये मामला पहली बार सामने आया है या फिर ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं और पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती रही है क्या? नहीं मैम, ये पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं कि पुलिस छापेमारी तो करती है पर कार्रवाई नहीं करती। ऐसा बड़ा मामला जहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच करके कार्रवाई की, जहां पर देखा जा रहा है कि जिस जगह पर जुआ का फाड़ चल रहा था वहां पर चौकी इंचार्ज की जानकारी संज्ञान में नहीं था, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज पटेल को लाइन हाजिर कर कार्रवाई की बात कही है। जी बबलू, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये गांव के जंगल में ये जुआरी जो थे वहां पर मौजूद थे और वहां पर ये सट्टाबाजी चल रही थी।
जी ये जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सुदौली गांव है जहां पे फल चल रहा था जंगल में, और मुखबिर की सूचना पर आला अधिकारियों ने पहुंचकर उसे छापेमारी की है। इसमें कुल 11 आरोपी थे और इसमें 4 आरोपी मौके से फरार हो गए, बाकियों को पुलिस ने अरेस्ट कर खुलासा करते हुए कार्रवाई की है। जी बबलू सिंह, अब पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? पुलिस ऐसे ही मामले जगह जगह पर छापेमारी कर रही है पूरे जिले में और कार्रवाई करेगी, ऐसा उन्होंने कहा है खुलासा करते हुए। जी इतना अनुरोध मांगी। जी बबलू सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अलीगढ़ में पति पत्नी में विवाद के चलते पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, और फांसी लगाने से कुछ समय पहले ही पति पत्नी में विवाद हुआ था। 3 साल पहले महिला ने प्रेम विवाह किया था और इंदिरा नगर सावरिया लॉज के पीछे किराए के मकान में दोनों रहते थे। वही घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के इंदिरा नगर सावरिया लॉज के पीछे का बताया जा रहा है, जहां पर पति पत्नी ने आत्महत्या की है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मामले की सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के वक्त ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के फतेहपुर में सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर नवंबर माह में मनाया जा रहा है, और यातायात माह के तहत वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए स्कूली बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया गया। यमराज बनकर आए छात्र ने वाहनों चालकों को नियमों का पालन न करने पर किस तरह से सजा मिलती है उसको लेकर जागरूक किया है, और फतेहपुर जिले के पटेल नगर चौराहा पर नुक्कड़ नाटक का SP राजेश कुमार सिंह शुभारंभ किया। बच्चों के द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने का काम किया गया है, और वहीं यमराज बनकर छात्र ने कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत कर बाइक सवारों को हेलमेट लगाकर चलने के लिए साथ ही साथ 3 सवारियां लेकर ना चलने की नसीहत दी है, और किस तरह से नशे की हालत में चलने पर हादसा होता है उसको लेकर भी जागरूक किया गया है। SP राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि यातायात माह के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने जागरूक अभियान चलाया है जो काफ़ी सराहनीय है, और हम सभी को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जिससे कि अपने साथ साथ परिवार भी खुशहाल रहे। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज फतेहपुर में पटेल चौराहे पे रामा अग्रहरी विद्यालय की बालिकाओं द्वारा यातायात के बारे में जागरूकता करने के लिए बड़ा ही अच्छा एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। इसमें सभी नियमों के बारे में जानकारी दी गई, 3 सवारी नहीं चलना है, बिना हेलमेट के नहीं चलना है, तेज स्पीड में नहीं चलना है, और सिग्नल्स जो हैं उनका फॉलो करना है, अदरवाइज आपके साथ दुर्घटना भी हो जाएगी। दुर्घटना हुई भी है फिर कैसे एम्बुलेंस आती है, ले जाती है, पब्लिक भी सहयोग करती है, तो सारे नियमों का इन्होंने जानकारी दिया। मैं रामा अग्रहरी विद्यालय के बच्चों को और उनके स्टाफ को, जो टीचर्स हैं, उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पुलिस के जो स्टाफ लोग हैं, पुलिस की जो टीम है, और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से संवाददाता बबलू सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। बबलू सिंह, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है ट्रैफिक नियमों को लेकर? जी मैं बता दूं कि फतेहपुर जिले के जहां पे पटेल नगर चौराहे और ग्रामीण जगह जगह चौराहे पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों और सभी लोगों को वाहन चालकों को सावधानियां बरती जाने की सावनी दे रहे हैं। बच्चे जब देखा जा रहा है बच्चे कैसे बता रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि आप बिना 3 सवारी और शराब पीकर न चल, ऐसे ही जानकारी बच्चे बताते हुए चले जा रहे हैं, और ऐसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि
बिना हेलमेट के हम लोग कैसे सुरक्षा होती है, कैसे होता है सारा सब कुछ तो बताते हैं बच्चे। और ये यही विद्यालय ड्रामा अग्रणी और ऐसे बहुत सारे विद्यालयों में नाटक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जगह जगह चौराहों पर बताया जाता है कि ये ऐसे बिना हेलमेट के मत निकले या सीट बेल्ट ना बिना लगाए निकले। अगर आप वाहन बड़ा वाहन चला रहे हैं तो आप हेलमेट व सीट बेल्ट का जरूर ध्यान दें जी। और स्थानीय लोगों का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है बबलू जी? मैं जहाँ मैं बता दूं कि जैसे कि बच्चे प्रेरित करते हैं तो इस फतेहपुर जिले में बिना हेलमेट के निकलने के लिए प्रशासन तो मुस्तैदी कर ही रहा है, पर इतना जागरूक हो गया कि बिना हेलमेट के लोग निकलना ही नहीं चाहते और बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ियां चलाते ही नहीं है लोग। यहाँ ऐसा देखा जा रहा है काफी हद तक काफी सुधार हुआ है फतेहपुर जिले में, ऐसा देखा गया है जी। और बच्चों के साथ पुलिस प्रशासन भी बहुत वहाँ पर मौजूद रहा है बबलू जी? पुलिस प्रशासन बच्चों को और जागरूक कर बच्चे खुद इसमें उनका नुक्कड़ नाटक है और ऐसे पहले से इन्होंने क्लासेस प्रेरित करते हुए बच्चों को बताते हैं कि कैसे तो फिर बच्चे जाकर के चौराहे जाकर के उनकी टोली बनती है और टोलियों जाकर के बच्चों बताते हैं कि आप बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट हम लोगों की जान, जैसे कि अभी इस वीडियो में दिखाया है कि यमराज बढ़कर एक छात्र बिना हेलमेट वाहन चालक को कैसे समझा रहा था और आप जान कैसे होती है और अपने परिवार के लिए कैसे आप सक्षम रह सकते हैं, इसी जानकारी को देते हुए बच्चे बताते हैं जी। और पुलिस प्रशासन भी इसी की अपील कर रहा है बार बार कि आप बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के ना निकले जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।